चार्ट का स्थानांतरण होने के बाद उन्हें सुनील कस्बे के व्यापारियों एवं पत्रकारों द्वारा विदाई दी गई है। सुनील थाना परिसर में सम्मान व विदाई समारोह का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी धर्माराम चार्ट का माल्यार्पण व शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। साथ ही नई थाना प्रभारी का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। व्यापारियों द्वारा कोरोना योद्धा ASRE घनश्याम सोनी समेत कई पुलिसकर्मी को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता ने दोनों पुलिस अधिकारियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकारी सेवा में स्थानांतरण सामान्य बात है, लेकिन सदैव उन्हीं अधिकारियों को याद रखा जाता है जिनका कार्य सराहनीय रहता है। विदाई समारोह में बोलते हुए राजेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि थाना प्रभारी धर्माराम जाट बड़े ही कर्मठ व नेक इंसान का नाम है। गुप्ता ने इनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि SHO धर्माराम जाट का काम करने का एक अलग ही अंदाज रहा। जब खुलेगा सुरेंद्र कुमार फोफुलिया, सुरेंद्र कुमार सोनी, उप सरपंच जितेंद्र मंडलोई, मुकेश लोहार से लेकर आम नागरिक, सरकारी कर्मचारी, पत्रकारों ने स्थानांतरित थाना प्रभारी धर्माराम जाट के कार्यकाल को शानदार बताया। धर्माराम जाट का कार्यकाल बेहद चुनौतीपूर्ण था। इनका मानना है कि ऐसे पुलिस अधिकारी जिनके खनन माफिया, शराब माफिया और अपराधियों में डर पैदा कर पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास पैदा किया, यही नहीं कोरोना वायरस के समय पुलिस की मानवीय छवि आमजन के सम्मुख प्रस्तुत की गई। इनके नेतृत्व में अनोखी रसोई योजना निरंतर 40 दिनों तक शुरू की गई है, जिसको मुख्य उद्देश्य कोरोना के संकट काल में सुनील कस्बे में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए।